जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों की जांच का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों ने लंबे वक्त तक आतंक को झेला। कश्मीरी पंडितों को घर से निकाल दिया जाता था। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई बदलाव आए। जो दर्द इन्होंने झेला है मैं उसे बयां नहीं कर सकता, शब्द नहीं है मेरे पास। इतनी बड़ी घटनाएं हुई, क्रूरता से लोगों को बाहर कर दिया गया, एक मामले में जांच नहीं हुई, FIR तक नहीं होती थी। अब एक ऐसी सरकार है देश में भी और प्रधानमंत्री जी के कारण वहां का प्रशासन भी, एक बात तय है कि शांति खरीदने में आज का प्रशासन विश्वास नहीं करता है। शांति अस्थायी रूप से हम स्थापित करना चाहते हैं। तवांग में LAC पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद यहां के गांव में जोश आई है। तवांग से न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा है। आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं चीन बॉर्डर पर भारत के आखिरी गांव से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो गांव तकसंग आप पहुंच चुके हैं, मेरे पीछे है, आप कुछ आर्मी के ट्रक्स भी देख पा रहे हैं क्योंकि हाइपर सेंसिटिव ये जोन है, क्योंकि ये आखिरी गांव है जो इंडो चाइना बॉर्डर के पास है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी इंडियन आर्मी, भारतीय सेना यहां पर चट्टान की तरह लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से पहरा यहाँ पर भारतीय सेना का है। इसके अलावा अगर आप रास्ते भी देखें तो देखिए थोड़े से कच्चे रास्ते जरूर हैं, लेकिन BRO की टीम यहाँ पर लगातार वचनबद्ध और संकल्पबद्ध तरीके से काम करती है ताकि जो रोड कनेक्टिविटी है, ये आखिरी गांव है क्योंकि, और रोड कनेक्टिविटी बेहद ज़रूरी है सामरिक शक्ति के लिए, सामरिक मजबूती के लिए। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से BRO की तरफ से लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर ये है कि यहाँ के गांव कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से लगातार इंडियन आर्मी यहाँ पर अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन तो करती ही है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि ये आखिरी गांव है, लोग यहाँ पर सुरक्षित रहें, महफूज रहें, हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं। तवांग में LAC के आखिरी गांव पर ना तो चीन की सेना का कोई डर है, ना ही डर का कोई माहौल। भारत की सेना के दमखम दिखाने के बाद इस गांव के लोगों का जोश बेहद हाई है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं LAC के उस छोर में हूँ, यानी कि आखिरी गांव में हूँ, लेकिन मोदी मैजिक या मोदी जी के लिए जो प्यार है लोगों का वो कभी खत्म नहीं होता। ऐसे एक फैन मोदी जी के हमारे साथ हैं। मोदी जी बहुत पसंद है आपको? हाँ, बहुत पसंद है। मोदी जी भगवान का तरह है, हम लोग को भगवान है मोदी जी। क्यों है भगवान मोदी जी? मोदी जी क्या बोलते हैं, हम हिंदी में ना हिंदी जानता भी नहीं। अच्छा, अच्छे लगते हैं मोदी जी? बहुत अच्छे लगते हैं हम लोग को। मोदी जी आने का बाद, सौर का बनने का बाद तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हो गया। रोड बहुत अच्छा बन गया, रोड पे रोड बन गए। हाँ, रोड भी बन गया। उनकी सरकार ने पेमा खांडू, उन पेमा खांडू CM होने का बाद भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। रोड भी सरकार बहुत अच्छा काम कर, सरकार बहुत अच्छा कर, CM बहुत अच्छा काम कर रही है। CM मोदी जी को तो भगवान मानते हैं हम, भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं।